आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। बोझोदे नीचे बाजार के क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने सड़क पर गंदा पानी बहने को लेकर कड़ा विरोध किया है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन पानी की समस्या को लेकर मुखिया को ड्रेन बनाने के लिए बोला गया, लेकिन मुखिया ग्रामीणों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रखा है। ड्रेन नहीं रहने के कारण पानी का जमाव रोड पर हो जाता है और लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति कभी भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब तक मुखिया ने केवल काम करने का आश्वासन दिया है, लेकिन ड्रेन का निर्माण नहीं किया। मुखिया के अलावा संबंधित पदाधिकारियों को भी ग्रामीणों ने जल जमाव की समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, जिससे हमारे घरों तक पानी का जमाव लगा रहता है। घर से निकलने के बाद जल जमाव के रास्ते से ही हम सभी को आना जाना पड़ता है। जल जमाव से बीमारी के साथ साथ मच्छरों के प्रकोप से इनकार नहीं किया जा सकता है। ग्रामीणों ने सरकार से निवेदन किया है कि हमारी परेशानी पर ध्यान दें और जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिले। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। क्या हो रही है आपकी समस्या? समस्या हो रहा है कि पीसीसी रोड हुआ है, पीसीसी रोड में देख रहे हैं पूरा पानी है। हम लोग का व्यवस्था कुछ नहीं है ड्रेन का, उसी के चलते हम लोग यही वाला बात कर रहे हैं कि बहुत असुविधा सबका हो रहा है पब्लिक को, और यहाँ पर पानी खड़ा हो रहा है रोड का सामने में, कचरा हो गया है, मच्छर के कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे। कुछ उच्च अधिकारी से बातचीत नहीं हुई? मुखिया से बात किए हैं, मुखिया से कुछ बोला कि होगा, अभी तक कुछ इसका हुआ नहीं। मुखिया क्या बोल रहा? मुखिया तो वही बात बोले हैं कि वो पीसीसी रोड बनने के टाइम में बोले कि इसमें तो नली बना दीजिए, अभी तक उसका कुछ उपाय नहीं लगाया है। घर का फिर पानी का दिक्कत हो रहा है, पानी का कुछ रास्ता नहीं है, सबका पानी का तकलीफ हो रहा है, पानी निकलने के कुछ व्यवस्था ही नहीं है, उसीलिए यही बात बोल रहे हैं। घर घर में एक टुकड़ा नली हो जाने से ये अपना अच्छा हो जाता है। आपका नाम? डब्लू बावरी। समस्या क्या है? जो समस्या है कि रोड में पानी चल रहा, लेकिन बोले मुखिया को नली बनाना, तो नली बना रहे ना, मेरा घर में जाता है जितना ऊपर का पानी, सब नीचे आके मेरा घर में पानी घुस जाता है, मुखिया को बोलने से सुनता नहीं है। इसलिए मतलब कितना भी बोले तो अपना पैकेट खाली देखता है। इस बार भी बोले रोड में कुछ करो तो लाइन नहीं है, मतलब सरकारी घर है वो भी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है। और क्या समस्या हो रही है? घर के सामने पानी जमा हो रहा, मच्छर हो रहा, बीमारी हो रहा है, समस्या बहुत है, मुखिया को बोलने से सुनता नहीं है। इससे पहले किसी से बात नहीं की है? नहीं, इससे पहले किसी से नहीं। हम लोग का गांव का मुखिया है, उसी को बोलेंगे ना, और किसको बोलेंगे। आपका नाम? विशाल माता।